आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइगेंस प्रिंसिपल पे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो प्रिंसिपल है ये हमें जानना ज़रूरी क्यों है। देखिए, लाइट का जो बिहेवियर है ये बड़ा अजीब सा है। ये ऐसा अजीब बिहेवियर है इसका कि कभी हमें लगता है कि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, कभी लगता है ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। बेसिकली ना तो ये वेव की तरह बिहेव करता है ना ही पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, बल्कि इसका बिहेवियर कुछ अलग ही है जिसे कि आज तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसके आउटकम को कभी कभार हम इसे वेव मानते हुए प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कभी हम इसे पार्टिकल मानते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी लाइट वेव बन जाता है तो कभी पार्टिकल बन जाता है। इसका अपना ही नेचर है जिसे कि हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अगर लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाए तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम इससे समझ सकते हैं, इससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उनमें से एक है अब्सॉर्प्शन, लाइट का जो अब्सॉर्प्शन होता है, और उनमें से एक है लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है। इस तरह का फेनोमेना जो है लाइट का, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हुए। लेकिन कुछ बिहेवियर है लाइट का, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरह का जो फेनोमेना है, इन्हें हम किसी भी तरह से पार्टिकल मानते हुए अभी तक तो प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह की स्थिति में हमें इसे वेव की तरह ट्रीट करना पड़ता है लाइट को, या फिर कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो ये हाइगेंस प्रिंसिपल जो है ये इसका फाउंडेशन हमें देता है कि हम इसे वेव की तरह ट्रीट तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो है जिसे कि हमें समझना होगा, उन प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करना होगा, तब जाके हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव बिहेवियर के साथ। वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन, तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल हमें गाइड करता है। तो चलिए देख लेते हैं ये कहता क्या है। इसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेव के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स जो कि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो क्या क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मान ले, यहाँ पर एक सरफेस है, पानी का सरफेस मान ले, समझना थोड़ा आसान होगा। पानी में वेव क्रिएट हो रहा और हमने इस पॉइंट में एक कंकड़ फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, तो इससे होता क्या है, इससे अंड्यूलेशन क्रिएट होता है पानी में। तो चलिए मान ले कि यहाँ पर हो रहा अंड्यूलेशन इस पॉइंट पे। तो रेफरेंस के लिए चलिए कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक तो लाइन ऐसा और कुछ ऐसा, ये रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सरफेस में हमने तीन लाइंस ड्रॉ किए। अब देखिए वेव्स कैसे क्रिएट होंगे, यहाँ से कुछ वेव्स ऐसे क्रिएट होंगे, कुछ ऐसे, और कुछ इस जगह पे भी हमें वेव दिखेगा, कुछ ऐसे, कुछ वेव हमें ऐसा भी दिखेगा, कुछ ऐसे। अब अगर आप उन पॉइंट्स को, यहाँ पर वेव का जो पार्ट हमने ड्रॉ किया है, इन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो पॉइंट्स सारे हैं, यहाँ अगर मैं इसे ऐसे मिलाता हूँ तो ये जो पॉइंट्स है, जो भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, वो सेम फेज में होंगे, एक ही साथ ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से, और कुछ ऐसे, और सेम फेज में रहेंगे हमेशा। उसी तरह से अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक इसका लोकस ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये सारे सेम फेज में रहेंगे, उसी तरह से ये सारे भी रहेंगे सेम फेज में। वेव का जो पार्ट, या फिर कहें लोकस उन पॉइंट्स का जो कि सेम फेज में है, इन्हें हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये है एक वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो ये हो गया वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो मान ले कहीं पर अंड्यूलेशन क्रिएट हो रहा है सरफेस में, पानी के सरफेस में, हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर पानी है, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, और वेव क्रिएट हो रहा कुछ ऐसे, ये मान ले एक वेव फ्रंट है। तो अब इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये हाइगेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल है। हर एक पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर ये पॉइंट अगर सोर्स की तरह बिहेव करता है तो यहाँ से निकलेगा एक वेव कुछ ऐसे, तो यहाँ से कुछ वेव ऐसे निकलेगा,
और अगर यहाँ पर एक पॉइंट रहता है वो भी अगर सोर्स की तरह बिहेव करता है तो यहाँ से भी निकलेगा वेव कुछ ऐसे। यहाँ पर ये पॉइंट अगर ये भी सोर्स की तरह ट्रीट करता है, ये भी मान ले वेव का सोर्स हो, तो यहाँ से भी निकलेगा एक वेव कुछ ऐसे। तो अब इन छोटे छोटे वेव्स को, इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। और यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट था जिसके हर एक पॉइंट को हम सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या फिर जिसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहा है, उस वेव फ्रंट को कहा जाता है प्राइमरी वेव फ्रंट। सो प्राइमरी वेव फ्रंट ये कौन सा वेव फ्रंट है जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से इंडिकेटेड है, ये वाला है प्राइमरी वेव फ्रंट। यहाँ से देखें तो ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट। अब प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बिहेव करेगा सोर्स की तरह, ये हो गया हाइगेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल। और हर एक जो वेव है जो सेकेंडरीली बन रहा है, जिस जो कि इन पॉइंट्स के कारण, पॉइंट के सोर्स की तरह ट्रीट करने के कारण यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अब अगर ये वेव जो है इसे तो आगे बढ़ना है, जैसे कि अगर मान ले पानी में अंड्यूलेशन होता है, तो अभी आपने देखा कि वेव यहाँ पर है, यहाँ पर अंड्यूलेशन क्रिएट हुआ, कुछ देर बाद वेव तो आगे बढ़ जाता है, कुछ और देर बाद ये और आगे बढ़ जाता है, तो इस तरह से जो वेव फ्रंट है ये आगे बढ़ते जाता है। तो अभी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, अभी मान ले टाइम टी है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पर हमने देखा कि वेव फ्रंट जो है यहाँ पर है, जिसे कि हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। यहाँ हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट बाहर निकला, और कुछ देर बाद इस वेव फ्रंट को तो आगे भी बढ़ना है, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ के कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा, वेव तो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे वेवलेट्स होंगे, कुछ यहाँ भी होगा, कुछ यहाँ भी होगा, ऐसे बहुत बहुत सारे वेवलेट्स होंगे, सारे के कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हुए आपको मिलेगा यहाँ पर एक वेव फ्रंट, जिसे कि हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। यहाँ पर अगर अंड्यूलेशन होता है, यहाँ पर वेव फ्रंट क्रिएट हुआ, वेव इतना आगे बढ़ा, कुछ देर बाद ये आगे बढ़ेगा, सो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोपगेशन है इसे अगर हम प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसे हम अगर सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, तो प्राइमरी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को अगर सोर्स की तरह हम ट्रीट करें और उसके कारण जो सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को जोड़ते हुए हमें मिलता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये हो गया हाइगेंस प्रिंसिपल का सेकेंड प्रिंसिपल। और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट इसे पता करने के लिए हमें कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना होता है सेकेंडरी वेवलेट्स पे, तो हमें मिलता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट कितने समय में हमें दिखा, ये वेव फ्रंट टी प्लस डेल्टा टी समय में हमें दिखेगा, कुछ समय बीतना होगा, इतना समय बीतना होगा तब जाके वेव फ्रंट यहाँ से आगे यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ और एक चीज़ कंसिडरेबल है, वो ये कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, इन्हें यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा था वो डेल्टा टी था, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे और ये अगर सेकेंडरी वेवलेट बनाते हुए सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा, तो ज़रूर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, या फिर कहें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, या फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगा होगा वो डेल्टा टी ही होगा, तब जाके हम कहेंगे वेव फ्रंट जो है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा वो डेल्टा टी है। यहाँ पर देखिए, ये जो पीछे वेव बन रहा है, यहाँ पर जो वेवलेट है पीछे की तरफ जो बन रहा है सेकेंडरी वेवलेट का ये पार्ट, ये वेव फिर कहाँ गया? तो हाइगन ने ये अज्यूम किया था कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, यहाँ सोर्स है तो इस डायरेक्शन में जो वेव प्रोपगेट कर रहा है सिर्फ उसी डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स का जो इफेक्ट है वो रहेगा,
इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन पीछे के डायरेक्शन में वेवलेट्स का कोई भी असर नहीं रहेगा। तो ये तो उन्होंने अज्यूम किया था। आगे चल के दो जर्मन फिजिसिस्ट्स फोक्ट और किरशॉफ, इन दोनों ने मिलकर एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था जो कि इसे मैथमेटिकली प्रूव भी करता है। उन्होंने कहा था कि सेकेंडरी वेवलेट का जो असर होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, किसका, सेकेंडरी वेवलेट का, इसका जो इफेक्ट होगा ये इफेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, किसके, ये प्रोपोर्शनल होगा इस टर्म के हाफ इंटू वन प्लस कोसाइन ऑफ थीटा के। यहाँ पर ये थीटा क्या है, यहाँ पर ये थीटा होगा, जैसे कि अगर आप इस सेकेंडरी वेवलेट को कंसीडर करते हैं, अगर मान लें मैं इस सेकेंडरी वेवलेट को कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, तो फिर इसके सेंटर से जो वेवलेट बाहर की तरफ निकला है, यहाँ से अगर हम रेडियली आउटवर्ड एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो फिर इसका इफेक्ट, इस वेवलेट का इफेक्ट जो होगा इस डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान ले, वो इफेक्ट कितना होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इस टर्म के, और थीटा बनेगा ये वाला एंगल, ये एंगल बनेगा थीटा। इसका मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट देखते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ वेवलेट का जो इफेक्ट है, सेकेंडरी वेवलेट का इफेक्ट, उसके लिए थीटा कितना बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल बनेगा थीटा जो कि है 180 डिग्री। तो फिर इस केस में कोसाइन ऑफ थीटा जो कि होगा कोसाइन ऑफ 180 डिग्री, ये होगा माइनस वन। हमें पता है कोसाइन ऑफ 180 डिग्री माइनस वन के बराबर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस वन जो कि होगा जीरो। तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। ये क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट का इफेक्ट है, असर। तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू जीरो हो जाएगा। दैट मीन वो इफेक्ट जो है सेकेंडरी वेवलेट का, वो जीरो हो जाएगा। कहाँ पर, पीछे की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को दिया किसने था, इसे डिराइव किया था दो जर्मन फिजिसिस्ट फॉक्ट और किरशॉफ। तो ये था हाइगेंस प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल्स, जिससे आगे पढ़ते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। मैं जस्ट एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, कि एक सोर्स रहता है, इससे लाइट बाहर की तरफ निकलता है, और आगे रहता है ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पर मान लें ये ऑब्स्टिकल है, यहाँ दो स्लिट्स हैं, मान लें यहाँ पर एक छेद एक स्लिट, और यहाँ पर एक छेद एक स्लिट, सो दो स्लिट्स है, और पीछे रहता है स्क्रीन। यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेव है ये आगे बढ़ता है, ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ता है, और इस जगह पे चूँकि यहाँ छेद है, यहाँ से वेव आगे बढ़ जाएगा, लाइट वेव्स। तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स जो है ये बिहेव करेगा सोर्स की तरह, और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स जो है यहाँ ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे, और ये स्क्रीन में जाके हमें दिखाएगा इंटरफेरेंस। तो हमें यहाँ स्क्रीन में दिखेगा यहाँ पर इंटरफेरेंस, कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव, यहाँ डिस्ट्रक्टिव, और यहाँ कंस्ट्रक्टिव, और आगे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ऐसे हमें स्ट्राइप्ड पैटर्न दिखेगा जिसे कि इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। तो इस तरह से इंटरफेरेंस को प्रूव करने के लिए हमें हाइगेंस प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।